नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिचतवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बर्ड फ्लू की पुष्टि से रांची में दहशत छा गई है। होटवार एरिया में चिकन और अंडा बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन इसका असर पूरी रांची पर पड़ा है। लोग अब चिकन की दुकान पर जाने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर ने पैनिक नहीं होने की अपील की है। देखिए रिपोर्ट। पहले चिकन की इन दुकानों में भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद अधिकतर दुकानों का यही हाल है। बर्ड फ्लू की पुष्टि होटवार क्षेत्र में हुई। वहां 1 किलोमीटर के क्षेत्र में चिकन और अंडा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन असर पूरी रांची में है। हाँ, ऐसा कोई बात नहीं है। समय समय पर दिक्कत होती होगी आप लोगों को? हाँ, गरीब आदमी को तो सब पेरता है सर, का कीजिएगा। आप उठ रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं चिकन? हम लोग 160 रुपए बेच रहे हैं, 60-70 बिकते हैं। बर्ड फ्लू के बारे में आज हर कोई जागरूक है, लेकिन डॉक्टर इस बारे में कुछ अलग ही विचार रखते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि पूरी तरह से पका हुआ चिकन खाने से बर्ड फ्लू नहीं होता, जिंदा मुर्गियों के संपर्क में आने से ये रोग फैलता है। जो चिकन बना हुआ है, जो बॉइल्ड है, पूरी तरीके से बना हुआ है, उसमें तो वायरस, डेड वायरस होगा, या वायरस जिंदा नहीं है, तो इसीलिए उसको खाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब चिकन हम खरीदने जाते हैं जहाँ पर, या चिकन को जो काटते हैं, बनाते हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं, उनके लिए सतर्कता बरतने की जरूरत है। बर्ड फ्लू अब तक केवल चिकन में ही मिला है, इसका असर इंसानों में अब तक नहीं देखा गया है। सिविल सर्जन कहते हैं कि जिस इलाके में रोग के लक्षण मिले वहाँ पूरी सतर्कता बरती गई और लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पका हुआ चिकन खाने से नहीं होता बर्ड फ्लू, जिंदा मुर्गे के संपर्क से रोग होने की संभावना, मुर्गे का व्यवसाय करने वाले रहे सावधान, सावधानी से मुर्गे का व्यापार जरूरी, घर में बिना उबाले चिकन मत बनाएं, कुछ दिनों तक चिकन का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह। आया है जो कि होटवार से है, तो वहाँ पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो पशुपालन विभाग के द्वारा किया गया है, और उपायुक्त महोदय के द्वारा एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम भी बनाई गई है। वो पूरी टीम काम कर रही है। जो प्रक्रिया है कलिंग करने की, वो सब हो चुका है, और टैमीफ्लू दवा की भी व्यवस्था वहाँ जो लोग थे उनके लिए कर दी गई है। ह्यूमन ट्रांसमिशन यानी कि आदमी में कोई लक्षण अभी तक नहीं मिला है। जिस इलाके में प्रतिबंध लगा है वहाँ के चिकन और अंडों को हटा दिया गया है, दुकानदारों को मुआवजा भी दे दिया गया है। चिकन अंडे की बिक्री पर रोक भी लगी है, लेकिन इसका असर पूरी रांची की बिक्री पर पड़ा है। लोग चिंतित हो उठे हैं, लेकिन चिंता करने से पहले एक चीज समझ लें कि चिकन जब भी घर में आए उसको अच्छे से साफ करके गर्म पानी से उसको उबालना बेहद जरूरी है। कोशिश करें कि कम से कम इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।